छोटे छोटे बदलाव ही बड़े कामयाबी का हिस्सा होते हैं। इस कहानी के माध्यम से हम जानेंगे कि आप भी अपने लाइफ में छोटे छोटे बदलाव करके दूसरों से कितना आगे चले जाओगे। एक बार एक गांव में दो दोस्त रहते थे। वो दोनों दोस्त एक दिन समुद्र किनारे शंख इकट्ठा करने के लिए गए ताकि उन शंखों को बेचकर वो कुछ अपने लिए पैसे जमा कर पाए। दोनों दोस्त शंख इकट्ठा कर ही रहे थे तभी पहले वाले दोस्त को एक बड़ा शंख मिल गया और ये देखकर दूसरे वाले दोस्त के मन में आया कि यार इसे तो बड़ा शंख मिल गया, अब ये मुझसे ज्यादा पैसे कमा लेगा। तो फिर उसने सोचा कि अब मैं सिर्फ बड़ा शंख ही ढूंढूंगा ताकि मैं भी इससे ज्यादा पैसे कमा पाऊं। तो वो लग गया बड़े शंख की तलाश में। उसने खूब ढूंढा, खूब मेहनत की, लेकिन फिर भी उसे बड़ा शंख नहीं मिला। और उस बड़े शंख के चक्कर में उसे जितना भी छोटे छोटे शंख मिलते जाते उन सारे शंखों को उठाकर फेंक देता, क्योंकि उसके दिमाग में वो बड़ा शंख था कि मुझे किसी भी हालत में बड़ा शंख चाहिए ताकि मैं अपने दोस्त से थोड़े ज्यादा पैसे कमा पाऊं। तो बड़े शंख की चक्कर में दोपहर से शाम हो गई, शाम से रात हो गई, ना तो उसे बड़ा शंख मिला बल्कि जो छोटे छोटे शंख मिलते जाते उन सभी शंखों को उठाकर अपने हाथों से फेंक देता। और जो पहला वाला दोस्त था उसके पास एक बड़ा शंख था और कुछ छोटे छोटे शंख थे। तो रात हो गई और वो दोनों दोस्त घर जाने लगे। तो घर जाते वक्त पहला वाला दोस्त उसने बड़े शंख को बेच दिया, उसके पास एक बड़ा शंख था उसके उसे मिले 1,000 रुपये और जो छोटे छोटे शंख थे उसके मिले उसे 3,000 रुपये। यह जानकर दूसरे वाले दोस्त को बहुत दुख हुआ कि काश वो छोटे छोटे शंख को नहीं फेंकता तो मेरे पास भी इससे ज्यादा कमाई होती। उसके दोस्त ने उसे बताया कि जो छोटे छोटे शंख उसने फेंक दिए थे उन्हीं को मैंने अपने पास इकट्ठा कर लिया था, उन्हीं की वजह से मुझे 3,000 रुपये मिले। और यह जानकर दूसरा वाला दोस्त और भी ज्यादा निराश हो जाता है। इस कहानी को बताने का मेरा मकसद बिल्कुल साफ है कि हम बड़ी बड़ी चीजों के चक्कर में कई सारी छोटी छोटी चीजें या फिर यूं कहें कि कई सारे छोटे छोटे मौके अपने हाथ से गंवा देते हैं। हमारी लाइफ में भी कई सारी छोटी छोटी चीजों को इग्नोर करते हैं, लेकिन ये बात आपको जान लेनी चाहिए कि छोटी छोटी चीजें आगे जाकर बहुत विशाल रूप धारण कर लेती है। हर छोटी चीज पर ध्यान लगाओ, उसे इग्नोर मत करो, आगे जाकर आपको इसकी अहमियत पता चलेगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप छोटा सोचो और छोटा ही करो, मेरा कहने का मतलब ये है कि आप सोचो बड़ा, लेकिन उसके लिए हर वो छोटा काम करो जिससे आपको आपका लक्ष्य हासिल हो। दोनों दोस्तों का लक्ष्य एक ही था, वो था पैसा कमाना, लेकिन पहले वाले दोस्त ने बड़े पर फोकस किया और छोटे पर भी फोकस किया, और दूसरे वाले दोस्त ने सिर्फ बड़े पर फोकस किया, छोटी छोटी चीजों को इग्नोर कर दिया। और जहां उसे ज्यादा पैसे मिलने चाहिए थे वहां 1 भी रुपये नहीं मिला। और अंत में सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि छोटी छोटी बदलाव ही बड़ी कामयाबी का हिस्सा होते हैं। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मैं भी आपसे अगले वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।